What's up everyone, very good morning and welcome back to my channel Wicked Rider. आज है संडे एंड संडे इज फंडे. तो संडे फंडे में अगर मज़ा नहीं हो और इनलाइन फोर की आवाज़ नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है. तो आज सुपर बाइक्स आने वाली हैं सारी वहाँ पे. तो अभी हम लोग थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किए हैं ताकि ठंडे में जाएं और ठंडे में वापस आ जाएं. अभी 5:43 हो रहा है. तो जो मीटअप पॉइंट है आई थिंक गोपालन आर्केड मॉल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम. मैंने मैप पे लगा लिया है और इंटरकॉम में सुन रहा हूँ डायरेक्शन. 45 किलोमीटर इट विल गो. शुरू हो चुका है इनलाइन फोर का और अभी चलेंगे. जब मेन रोड पकड़ेंगे तब आएगा मजा. एक्रोपॉविक का साउंड. मजा आ रहा है. मजा आ रहा है यार. मतलब आज ना पूरा अलग ग्रुप के साथ आके अलग चीज, मतलब अलग फील आता है. हर और एंड मेरे को अच्छा लगता है कि कितना कितना अलग लोगों से जान पहचान होता है. आप कभी भी बाइक राइड पे जाते हो तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है. ऑलराइट, तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे. सारी बाइक्स यहाँ पे हैं. ऑलराइट, तो अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है हम लोगों का एंड अभी निकलेंगे सीधा डेस्टिनेशन विच इज़ अ डैम. तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है और नियर बाई भी है बैंगलोर के. एवरीवन इज ऑल सेट टू गो और अब होगी दंगल. तो अभी मज़ा आएगा यार. मतलब अब कहीं रुकना नहीं है, अभी सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, वहाँ पे लेंगे थोड़े से ड्रोन शॉट्स और उसके बाद देन बैक टू होम. मजा आ रहा है यार लिटरली. अब बस इनलाइन फोर के सामने मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा और जस्ट एंजॉय द म्यूजिक.
मेरा जो डेस्टिनेशन है वो मैसूर रोड से थोड़ा सा हटके है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में आई थिंक ट्रैवल करना पड़ेगा कुछ 10-15 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं रहेगा। बट मेन जो है सारा सुपर बाइक्स हैं, और सुपर बाइक्स के लिए चाहिए है एक मस्त रोड जहाँ पे एक्सेलरेट कर पाएँ। बट ये वाला रोड थोड़ा सा ज़्यादा हैवी ट्रैफिक का है, इसलिए प्रेफर नहीं करते। बट फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्लान बना है, और जो भी रहता है जनरली प्रेफर करते हैं तुमकुर रोड और जो बाकी 2-3 रोड्स हैं। आई थिंक यहाँ से राइट है कि लेफ्ट है पता नहीं। मैं लेफ्ट काफ़ी बार मुड़ा हूँ बट यहाँ से राइट नहीं मुड़ा हूँ, देखते हैं अभी क्या सीन है। और ये रास्ता मस्त शुरू है यार, मतलब पतला रास्ता है बट एटलीस्ट ट्रैफिक नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब सीरियसली यार बैंगलोर के आप थोड़ा सा भी बाहर अगर निकल के कुछ देखोगे ना, मतलब इतना सही सही लोकेशन मिल जाएगा आपको। और लिटरली मतलब उतना ट्रैवल करना, ट्रैवल भी क्या ही करना है यार, इतना तो अंदर बैंगलोर के अंदर जाने में ही टाइम लग जाता है कहीं पे भी। तो इट्स वर्थ कमिंग आउटसाइड फ्रॉम बैंगलोर। अमेजिंग यार, मतलब क्या ही बोलूं। तो ये काम हो गया है ख़राब, और ये डैम निकला है बंद। अभी देखेंगे थोड़ा सा कहीं से आगे जाके कुछ डैम का एटलीस्ट मिले तो डैम के दीदार हो जाएंगे। पानी यहाँ से दिख रहा है और आई थिंक कुछ तो रहेगा। एक्रा पोवी का एक्चुअली साउंड बहुत मस्त है यार। कितना रास्ता है, एक मिनट चला जाएगा। ऑलराइट, तो अभी ट्राई करेंगे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग क्योंकि लेके आई थिंक सो। आ गई फाइनली, अभी थोड़ा सा इधर खड़ी कर देते हैं, बाकी अगर हेल्प कराते हैं। कम कम इजी। रोक रहे आ जाओ धीरे धीरे। लोकेशन अपना पहुंच चुके हैं, और काफ़ी अमेजिंग लोकेशन है। नीचे साइड में हम लोग गए थे बट वहाँ पे कुछ ऐसा मिला नहीं हम लोगों की अंदर जा पाते क्योंकि एंट्री अलाउड नहीं थी। तो अभी आपको लोकेशन दिखाता हूँ मैं यहाँ से, थोड़ा सा और आगे जाने का ट्राई करेंगे कि कहीं से अच्छा व्यू आए। तो हियर यू कैन सी अमेजिंग व्यू यार, मतलब डैम है यहाँ पे और नीचे जाने का रास्ता तो कुछ है नहीं। उस साइड से देखोगे तो उधर से एंट्री था एक, बट उन्होंने गेट बंद कर रखा था तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। ट्राई करेंगे थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेने का। दिस इज़ रियली अमेजिंग मैन।
चलो तो अभी थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ और आगे जाने का, और उधर से देखेंगे अगर अच्छा व्यू आता है, क्योंकि जो डैम के आगे इधर लेक जो बनी है इट्स रियली गुड मैन। आप इधर से देखो अगर ड्रोन शॉट से कैप्चर होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा हाई टेंशन केबल्स है, सो आई एम लिटिल बिट वरीड कि उड़ाना चाहिए कि नहीं, बट मैं काफ़ी हाइट लेके उड़ाऊँगा, देखते हैं। इंस्टाग्राम पर विकेट राइडर ऑफिशियल लिंक मैं नीचे वीडियो में डाल दूंगा, और प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि एक एक ब्लॉग बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार।